हमने राइट किया है। अच्छा चलो जी, आज हम माइक्रोसॉफ्ट असेस के बारे में सीखेंगे कि इसके अंदर डेटाबेस कैसे बनाया जाता है और इसमें डाटा एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस आपने लेना और इसको फाइल आपने यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से फाइल को क्रिएट कर लें। तो ये फाइल जो क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे ये इसकी टाइटल बार है, ये इसके मेन्यू बार हैं, ये इनके व्यूज़, फील्ड्स, डाटा टाइप, रिलेशनशिप, ये सारी जो है इनकी टूल बार्स है। ये आपको सारी बताएंगे हम जैसे जैसे लेक्चर चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये होम बार आ जाती है। होम बार में यहाँ पर जो है आपको व्यूज़ मिलेंगे, बाकी ये बोर्ड्स वगैरह हैं, इनके डायरेक्शन वगैरह हैं और ये इनके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं और इनके फाइंड प्लेस वगैरह हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम व्यू में जाके तो पहले हम टेबल को जो है वो सेव करते हैं। तो इसमें हम जो है माई कॉलेज के नाम से जो है इस फाइल को हम सेव करते हैं, तो ये जो है इसमें सेव हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो है इसका लिखते हैं कि नेम, तो इसमें नेम लिखा जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो है लिखते हैं कि फादर नेम, तो इसमें फादर नेम आ जाएगा। फिर इसमें हम एड्रेस लिखते हैं, फिर एड्रेस आ जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। फिर मेरिट का लिखेंगे तो मेरिट अनमेरिट आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसका व्यू देखेंगे, तो व्यू पे जाके हम इसे यस करते हैं, तो देखें नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और मेरिट वगैरह, ये जो हमने ऊपर ये बनाए हैं ये इनके डेटाबेस जो है वो हमने बना दिया। अब हम इनके कालमों में डाटे की इंट्री करेंगे, इनको मद्देनज़र रखते हुए कि नेम के कालमों में नेम की इंट्री होगी अली और आसिफ जो है, इस तरह से इनमें अली आसिफ और आमिर है। अली के फादर नेम जो हैं वो अकबर हैं और एड्रेस जो हैं वो लाहौर से है। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम लिखते हैं कि पी एच जो है इसमें लिखा हमने PH0306 जो भी इसका जो है नंबर है। तो उसके बाद आगे मैरिड है या अनमैरिड है तो ये हमने जो है इसमें लिख दिया। इसी तरह से हम जो है वो दूसरा भी फिर तीसरा भी हम करते जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमने इसमें वैल्यू जो ऐड की। अब इसकी बैक पे जो डाटाबेस काम कर रहा है हम उसमें चेंजिंग कैसे करेंगे, व्यू में जाकर तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसको हम टेक्स्ट को हटा के तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डाटे की टाइप हम कर देते हैं जस्ट ओनली नंबर पे। तो नंबर को हम व्यू देखते हैं, यस करते हैं तो आगे जाके देखें कि वो कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है हम लिखते हैं फ़ोन नंबर जो है फ़ोन नंबर 030 आगे जो भी लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कह रहा है कि द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच न्यूमेरिक डाटा इज इन दिस कॉलम, कि आप इस कॉलम में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें ये वाले जो हैं इसमें अल्फ़ाबेट इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, जस्ट ओनली जो है आप इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को ही ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी बैक पे डाटाबेस काम करता है। अच्छा जी, चले अब हमारे पास है मेरिट की लिस्ट। मेरिट की लिस्ट में देखें कि यहाँ पर जो है यस है और यहाँ पर नो है, फिर यहाँ पर यस है और यहाँ पर नो है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यस ये नो हमें लिखना पड़ता है, इस पर काफ़ी हमें टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर व्यू में जाते हैं, व्यू में जाकर तो हम यहाँ से इसको यस और नो इसके डाटा की टाइप चेंज कर देते हैं। डाटा की टाइप चेंज की है तो प्राइमरी में हम जाके फिर से इसको यस करके देखते हैं तो वो देखें इनके टिक मार्क जो है वो आ जाते हैं। जहाँ पे टिक लगाते हैं हम वो यस हो जाएंगे, जहाँ पे हम टिक मार्क इनका ख़त्म करेंगे वो इनमें नो आ जाएंगे। तो हमने जो है पहले को किया है टिक मार्क, बाकी जो है वो खुद से ही इनमें हम आगे टेक्स्ट में जाके देखते हैं तो वो देखें आपको यस और ये देखें नीचे नो है। इस तरह से आप जो है वो कोई भी डाटा बना सकते हैं और उसमें डाटा एंट्री भी कर सकते हैं और इनके डाटे की टाइप जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।